जय हिंद, वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए सातवें पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर पर्सन के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल जानेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। आप टाइम पर अप्लाई कर सकते। सबसे पहले वैकेंसीज आपको मिलेगी 10वें नंबर की, ये है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 65, ये सब की रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए दोस्तों सभी अप्लाई कर सकते हैं, CRPF, BSF, SRP, स्टेट पुलिस, गार्ड, पूर्व सैनिक, डिफेंस के जो भी ESM हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन गुजरात में है। ये जो जॉब निकाली गई है पैंथर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी अफसर की 3 वैकेंसी आपको मिलेगी, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 7 वैकेंसीज है, सिक्योरिटी की 55 वैकेंसीज हैं। सिक्योरिटी की यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी SON की सिक्योरिटी अफसर के लिए 35,000 रुपये प्लस PF 3600 रुपये और ESI अलग से दिया जाएगा। सुपरवाइज़र की बात करूँ तो यहाँ पर सुपरवाइज़र के लिए 32,000 रुपये प्लस PF 3600 रुपये प्लस ESI दिया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 28,000 रुपये प्लस PF 3600 रुपये ESI वगैरह दिया जाएगा। ड्यूटी यहाँ पर होगी 12 घंटे की ड्यूटी, 26 दिन आपको ड्यूटी करनी होगी। और इन वैकेंसीज़ को लेने के लिए या इन वैकेंसीज़ के लिए आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, इन मोबाइल नंबर्स पर आप रिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहेंगे, एक मोबाइल नंबर ये है और दूसरा ये है, इन पे आप बात करके पूरी जानकारी और जॉब से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। दूसरी वैकेंसीज रिक्वायरमेंट है सामुजुगुड़ा और गोचीबोली आंध्र प्रदेश लोकेशन में, 21,000 रुपये टेक होम सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रीशियन की, उसके लिए 20,000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि पेंडर के लिए यहाँ पर दिया जाएगा 21,000 रुपये, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर दिया जाएगा 20,000 रुपये, टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर दिया जाएगा आपको 28,000 रुपये और प्लम्बर के लिए दिया जाएगा यहाँ पर 20,000 रुपये। जो भी RA AC से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर 21,000 रुपये दिया जाएगा, तो कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और भी आगे वैकेंसी आपको मिलेगी अलग अलग टाइप की, और साथ में ये नंबर भी दिए गए हैं, तो जो भी आंध्र प्रदेश साइड के पूर्व सैनिक हमारा वीडियो देख रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए मौका है। अगली रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, ये है वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। 1 ESM सुविधा मेजर ऑनरी कैप्टन की रिक्वायरमेंट है। एज 45 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिट, किसी मेजर यूनिट में, बटालियन या फिर यूनिट में, रेजिमेंट में सुविधा मेजर के पद पर रहा हो। 9 घंटे की ड्यूटी हुई यहाँ पे होगी और यहाँ पर एज का कोई मसला नहीं है। आप बात करके यहाँ पे बात करके देख सकते हैं। जॉब लोकेशन देहरादून में है। इंटरेस्टेड अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं जो भी देहरादून साइड के हैं, उत्तराखंड साइड के। अभी नेक्स्ट वैकेंसी जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेसमैन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और जॉब लोकेशन है थाने मुंबई महाराष्ट्र में। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आपको कंपलसरी है। 9 घंटे की ड्यूटी होगी, वीकली ऑफ दिए जाएंगे। एज लास्ट है 45, एजुकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं भी है तो आप एक बार बात कर सकते हैं जिनके पास डिफेंस का सर्टिफिकेट है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है झाबुआ पावर प्लांट में, जो कि 60 किलोमीटर दूर है जबलपुर से। पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे है सुपरवाइज़र और इसके लिए एक्स आर्मी का होना चाहिए। वैकेंसीज 3 है, GCO बिलो 55 ईयर, इन्फेंट्री वालों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। 42,500 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, ड्यूटी 12 घंटे की होगी, वीकली शिफ्ट वाइज आपको मिलेगा, कोई भी ऑफ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर सिविलियन की 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी, जिन्होंने एजुकेशन BCA या फिर PGDCA किया है, उनकी 12 घंटे की ड्यूटी होगी, वीकली डे के हिसाब से नाइट शिफ्ट कोई ऑफ नहीं मिलेगा। 25,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। उसके अलावा बाउंसर की रिक्वायरमेंट है, 35 साल तक, 12 घंटे की ड्यूटी, 12th पास होना चाहिए, 25,000 रुपये सैलरी। हालांकि ये सब सिविलियन के लिए है, सिर्फ आर्मी के लिए यहाँ पे
जो वैकेंसीज मैंने बताई थी सुपरवाइजर की वही है। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गनमैन की वैकेंसी यहाँ पे है, 5 वैकेंसीज है, 22,500 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। तो जो भी इससे रिलेटेड हैं वो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, एरिया मैनेजर उनसे आप बात कर सकते हैं, जो कि SIS सिक्योरिटी झाबुआ की ओर से निकाली गई है। अभी बात करें यहाँ पे एक एक्सर्विसमैन की सिक्योरिटी एक्सपीरियंस, जिसको है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी यहाँ पर 30,000 से 40,000 रुपये दिया जाएगा। 2 पेस्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, सैलरी यहाँ पर 30,000 से 40,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरा है BD यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की, सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अलावा फील्ड ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, 30,000 से 40,000 रुपये के बीच में यहाँ पर सैलरी आपको दी। अब इसके लिए आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है इस पर आप बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर। अगली रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक्सेसमैन की, 8 थाने में जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, 6 मेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, वीकली ऑफ दिए जाएंगे यहाँ पर, 4 ऑफ होंगे महीने में, सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये दिया जाएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगली रिक्वायरमेंट है हैदराबाद में हाईटेक सिटी, 8 घंटे ड्यूटी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी, टेक होम सैलरी यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 36,000 रुपये दिया जाएगा, सुपरवाइजर के 23,970 रुपये दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 17,725 रुपये दिया जाएगा। इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे लिया जाएगा। बेनिफिट सैलरी के अलावा PF, ESI, CL, PL, NFH और बोनस यहाँ पे दिया जाएगा। सैलरी डेट एवरी मंथ 7th तारीख को होगी। इसके लिए ऑपरेशन मैनेजर के जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इनसे आप बात कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो यहाँ पे है कि 120 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, और ये है रिलायंस कोयली जो कि वडोदरा के अंतर्गत है। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जा रही है 31,500 रुपये, PF 3,700 रुपये दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे है 54 ईयर तक, एजुकेशन मिनिमम 10th पास, सेफ 1 होना चाहिए मेडिकली, ड्यूटी 12 घंटे की होगी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी, एकोमोडेशन यानी रहने का आपको फ्री दिया जाएगा, फूड डेली मेसिंग अवेलेबल है यहाँ पर, डेली यदि आप यहाँ पर खाते हैं तो 80 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेड करनी होगी। फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ को लेने के लिए। ये वैकेंसीज रिलायंस की ओर से यहाँ पर निकाली गई है, तो पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज तो है ही है, बाकी यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं तो वो भी एक बार बात कर से देख सकते हैं।